देखा ना तुम्हारी वजह से क्या हो गया। रुक जाओ, और कभी नहीं। ये तो अभी फोन भी नहीं उठा रहा। अब ये इसका नया नाटक क्या शुरू हो गया है? ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? जब भी फोन कर रहा हूँ मेरा फोन काट रहा है। आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरा फोन काटने की? बेटा किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं मॉम, किसी से नहीं। क्या पागल हो गया है क्या तू? अकेले बड़बड़ा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो पागल हो गया हूँ और कुछ नहीं। मुझ में जरा सी भी अक्ल नहीं बची, पागल हो गया हूँ मैं। पता नहीं अब क्या होगा। मैं फ्रूट्स लेकर आई थी। जानदान दीदी, मेरा बुक कहाँ है आपको पता है क्या? गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने तुम्हारे बैग में ही रख दिया था। अच्छा, गुड मॉर्निंग। मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। हाँ ठीक है, मैं ले लूंगा। मैं तैयार हूँ, अब चले। ओइको को मैं स्कूल छोड़कर आती हूँ, आप आराम करिए। जी ठीक है। फ्रिज में सब कुछ रखा है, भूख लगे तो खा लीजिएगा, हेजिटेट मत करिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है मिस चंदन, जरूरत पड़े तो मैं खा लूंगा। मिलते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक्स। पर जब आपको ओइको के साथ देखा तब लगा आपके जैसा इंसान कभी बुरा कर ही नहीं सकता है। मिस्टर देमिर, आप चाह कर भी बुरे काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम टाइम टेबल बनाकर उसका पालन करें तो हम समय का अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि समय एक सीमित संसाधन है और हमें आनंदी और आरामदायक जीवन जीने के लिए समय का उपयोग करना अनिवार्य है। यस, मैंने सब याद कर लिया। अच्छा है, तुम तो बहुत होशियार हो, ऐसा कह सकते हैं। जानदान दीदी, पता है मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं है, टीचर कहती है कि आदर्श स्टूडेंट होने के लिए मार्क्स के साथ साथ बिहेवियर भी आपका अच्छा होना चाहिए। मेरे मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन लेकिन ओइको बेटा तुम्हारा बिहेवियर भी तो अच्छा है। हाँ शायद। जानदान दीदी, मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी मिला है। ओ, तुम तो सच में बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। मेरी आंटी उसे फ्रेम करने वाली थी पर तो नहीं किया उन्होंने? शायद वो भूल गई। एक बात बताऊं, अगर तुम्हें इस बार भी सर्टिफिकेट मिलेगा तो हम उसे साथ में फ्रेम करेंगे। ठीक है? क्या आप सच कह रही हैं? सच में ओइको? ओइको? हाँ जानदान दीदी। तुम हमेशा उस आंटी के बारे में बात करती हो, वो तुम्हारे साथ में रहती थी क्या? वो दरअसल वो उनका घर था। वो कभी कभी ही घर पर आती थी, रोज नहीं आती थी। फिर एक दिन वो चली गई। चलो अब स्कूल आ गया। बाय बाय गेसी, बाय बाय जानदान। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। ओह हेलो मुराद। ये डिसऑर्डर बहुत ही कम लोगों में पाए जाते हैं। पेशेंट में बचपन से ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं। हेप्टोस्पेनमेगली और कई न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स दिखने लगते हैं। बहुत से पेशेंट 4 साल में ही मर जाते हैं। हमारे देश में इस डिसऑर्डर के बहुत ही कम केस पाए गए हैं, इसलिए हमारे पास इस डिजीज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। Thank you.
थैंक यू सो मच। हाँ हेलो गुराय, तुमने बायोप्सी पूरी की ना, रिजल्ट्स क्या आए हैं? डॉक्टर हम बायोप्सी नहीं कर पाए। क्या, क्यों कर नहीं पाए? वो भाग गई है डॉक्टर। ओह नो। उसके पापा? वो भी। उसके पापा का कांटेक्ट होगा, उनसे बात करो, हमें उस पेशेंट तक पहुंचना ही होगा, समझ गए? हाँ ठीक है डॉक्टर, मैं करता हूँ। गुड मॉर्निंग, सब लोग बैठ जाओ। स्टूडेंट्स, ओक्यू का एक्सीडेंट हुआ था, तुम सब उसके लिए विश करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, चलो बुक्स खोलो। क्या हुआ ओक्यू, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। वो दरअसल मैं क्रॉस करते समय मैंने जल्दबाजी की तो एक मिनी बस मुझसे टकराने वाली थी। सच में? तुम वाकई ठीक हो? घबराओ मत, मैं ठीक हूँ, सच में मुझे कुछ नहीं हुआ। पापा जल्दी से आ गए और उन्होंने मेरी जान बचा ली। आज हमारी ओरल एग्जाम है, सबको पता है ना? तो सब लोग तैयार है ना एग्जाम के लिए? यस टीचर। मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, मैं भूल जाऊंगा। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आगे जाकर कुछ बोल ही नहीं पाता। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ। जब तुम्हारी बारी आएगी तो मेरे पास देखना और कहीं मत देखना। क्या हम चीट करेंगे? नहीं, मैं बस स्माइल करूंगी, फिर तुम्हें याद आ जाएगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा। ठीक है, तुमने सब कुछ याद किया है ना? चलो शुरू करते हैं। हे वेलकम। हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बैठो ना। क्या तुम अभी मुझ पर गुस्सा हो? तुमने बुलाया इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, बताओ क्या काम है? बस तुमसे बात करनी थी, उस दिन जो भी हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरा लगे। पर ये तब सोचना चाहिए था। हाँ तुम सही हो, मानता हूँ कि मैं जरा रूढ़ था, पर मेरा वो मकसद नहीं था, तुम तो मुझे जानती हो, मैं बस सरप्राइज हो गया था। तुमने उनके साथ गलत बर्ताव किया मुराद, उस छोटी सी बच्ची के सामने तुमने उसके पापा के बारे में इस तरह से बात की थी। जानदान, मैं बस तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की मदद करना चाहता था, मैं शायद ठीक से बोल नहीं पाया, पर मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। देखो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम प्लीज कुछ गलत मत सोचना, मेरा मकसद बस तुम्हारी हिफाजत करना था। तुम्हारी बातें खत्म हो गई हूँ तो मुझे जरा काम है, रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं यहाँ आ गई, पर अब मुझे जाना होगा। रुको रुको, मुझे एक और बात करनी है। अगर तुम वो घर बेचना चाहती हो तो मेरा एक दोस्त है जो ऐसी हिस्टोरिकल जगहों में दिलचस्पी रखता है, मैं उससे तुम्हें मिलवा सकता हूँ। ओके ठीक है। वो दो दिन में यहाँ आने वाला है, उसका ऑफिस तुम्हारे पास में ही है, हम साथ में वहाँ जा सकते हैं। ठीक है। अब सब ठीक है ना? सब ठीक है, मिलते हैं। हेलो, मुझे एक आदमी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, देमिर गौरतुक, आर्ट एक्सपर्ट है। क्या करूं मैं अब? चलो आगे आ जाओ। ठीक है टीचर। हमने टाइम टेबल और स्कूल की तैयारी के बारे में पढ़ लिया है, अब ओक्यू हमें बताएगी, सब शांत रहना ठीक है? हम हमारे रोज के काम नियमित रूप से करते हैं, तो पहले
हम सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं और फिर कपड़े पहनते हैं और फिर हम पहले हम सुबह उठते हैं, फिर हम मुंह धोते हैं देखिए कंडीशन जरा सीरियस है। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से उसे एक रेयर डिसऑर्डर है। ये नर्वस सिस्टम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बहुत कम लोगों को होता है, मतलब कि ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। क्या तुम्हें फिर से शुरू करना है ओइकू? कपड़े पहनते हैं। तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता है। इलायदा चुप रहो। ओइकू क्या हुआ? घर में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? तुम पढ़ नहीं पाई? बताओ मुझे। नहीं टीचर, मैंने सब पढ़ा था, मुझे सब कुछ याद था, पर मैं अभी भूल गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ओइकू, तुम बाद में कर सकती हो। चलो मुझे बताओ आगे कौन है। कीप साइलेंस, शांत रहो। ओइकू तुम ठीक हो ना? शांत हो जाओ सिमसेक, शांत हो जाओ। देखिए मिस जानदान, इजी सुबह से इसकी यही हालत है, ऐसी हरकतें करके खुद को चोट पहुंचा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही कुछ कीजिए मिस जानदान। हाँ मिस्टर इब्राहिम, मैं देखती हूँ। सिमशेख शांत हो जाओ, सिमशेख गुड गर्ल, शांत हो जाओ, वेरी गुड, शांत हो जाओ। ठीक है अब मुझे तुम्हारे पैर देखने दो, ठीक है? शांत रहो आराम से। देखिए ये जख्म बहुत बढ़ गया है, मुझे स्टिच करना पड़ेगा। कमॉन शिमशेख। ऐसा क्यों करती हो तुम शिमशेख? हाँ शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये आखिरी चांस है मिस जानदान, मेरे पास 11 घोड़े हैं, मैं इस पर और ध्यान नहीं दे सकता, मुझे इसे जल्दी बेचना है। मिस्टर इब्राहिम आप शांत हो जाइए, इससे बाकी घोड़े डर जाते हैं और मैं अब इसे और नहीं सह सकता। बस हो गया, आप जरा देखिए इसे, मैं तो अब परेशान हो गया उससे। मिस्टर इब्राहिम मैं अभी के लिए ट्रैंक्विलाइजर दे देती हूँ, ठीक है? फिर उसकी जख्म मैं स्टिच कर दूंगी, फिर ब्लड टेस्ट करा लेंगे, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, देखते हैं क्या है। ट्रैंक्विलाइजर की वजह से वो थोड़ी देर के लिए शांत रहेगी, आप भी आराम कर लीजिए, हम टेस्ट रिजल्ट के बाद बात करेंगे, ठीक है ना? आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके ठीक है। हाँ शांत हो जाओ शिमशेख, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, शांत रहो। इसे ठीक से पकड़ कर रखना, ठीक है जी? कम ऑन, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। My love, you're in the clouds again, the clouds, my love. The things you long for, the things you need. You and I will make a star, find ourselves a home. I will never break your heart. क्या है ये सब? और तू यहाँ ये सब काम क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा हूँ मतलब, लेकिन तुम
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे अंदर आने दो। जाओ यहाँ से, पागल हो गए? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। अरे तुम्हें समझ भी नहीं आता क्या? जाओ ना यहाँ। मुझे इसी वक्त उससे बात करनी है। क्या बात करनी है? शायद तुझे पता नहीं लेकिन तूने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। याद रखना मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो तू मेरा फोन काट दे। उस दिन तो तूने मुझसे कहा था कि तू यहाँ से चला जाएगा लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? पार्टनरशिप तो छोड़, मैं तो तेरा दोस्त भी नहीं हूँ। मुझे तो ये समझ भी नहीं आता कि तू दोस्त के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने तुमसे कहा ना कि जरा रुक जाओ। रुक 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 जरा रुक और पहले मेरी बात सुन। जानता है यही तेरी प्रॉब्लम है, तू कभी किसी की नहीं सुनता। देख यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं है, हम चाहे तो अभी अपना काम पूरा कर सकते हैं। देखो मुझे कुछ चीजें संभालनी है। क्या करना है जो तुझे इतना वक्त लग रहा है? तू इंग्लैंड की महारानी को यहाँ लेकर आने वाला है क्या? जरा मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख ये मैटर बहुत ही सीरियस है, जानता है ना, वो जिलेट मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मार डालेगा। कमाल की बात है, और मैं यहाँ आकर क्या देखता हूँ? तू एक नौकर की तरफ काम कर रहा है। अगर हमने वो पेंटिंग नहीं चुराई तो जिलेट सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी जान ले लेगा, और इस बात को मत भूलना, समझा? ठीक है मैं जानता हूँ कि तू और भी चीजों का ख्याल रख रहा है लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा। बस बहुत हुआ, अब तू मेरे प्लान के मुताबिक चलेगा और कुछ नहीं। क्या प्लान है तुम्हारा? याद रख मेरा प्लान बहुत ही अच्छा है। सुन देमिर, ध्यान से सुन, इस वक्त तू इसी घर में है इसलिए हम उस असली पेंटिंग की जगह नकली पेंटिंग लगा देंगे और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर उस ओरिजिनल पेंटिंग को हम जिलेट को जाकर दे देंगे, उससे हम अपने पैसे ले लेंगे और उससे अपनी जान छुड़ा लेंगे। बस तू 2-3 दिन यहीं रुकना और फिर यहाँ से निकल जाना। कैसा लगा मेरा प्लान? किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, समझ रहा है ना? हाँ समझ गया। तो फिर करते हैं? नहीं यार। अब ये नहीं का क्या मतलब है? अरे मैंने तुमसे बोला ना मैं कुछ कर लूंगा, तुम घबराओ मत इस तरह से। देखो क्या कर लेगा, करने जैसा तो कुछ बचा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। पता नहीं क्या करने वाला है, और याद रख जो मैंने कहा वही फाइनल है और वो आसान भी है। वो आ गई। क्या? तुम कहीं पर छुप जाओ, जल्दी से जल्दी छुप जाओ कहीं पर। हाँ छुपूं? चलो यहाँ पर छुप जाओ, छुप जाओ और बाहर मत आना। हेलो। हाँ क्या हुआ? क्या मतलब? मतलब आप इतनी जल्दी घर पे आ गई? हाँ मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, चलो अंदर जाओ। रुको रुको, इधर आओ, इधर आओ, वहाँ मत जाना, इधर आओ बेटा, इधर आओ। वहाँ क्यों जा रहे हो? मिस्टर देमिर, क्या आपने घर साफ किया है? जी हाँ, वो इधर आओ गेसी। वो क्या कि मैंने अभी अभी वहाँ पर पोछा लगाया है ना, तो गेसी की वजह से गंदा हो जाएगा। यहाँ आओ गेसी। वैसे आप कॉफी लेंगी ना, तो नीचे चलते हैं। नहीं नहीं ठीक है। अच्छा मिस चंदन, आज मौसम बहुत ही अच्छा है तो चलो कहीं बाहर चलते है ना घूमने। नहीं नहीं मैं बहुत थक गई हूँ। तो क्यों ना हम ओइकू को लाने चलते हैं, दोनों अकेले जाएंगे। मेरा मतलब है कि साथ में जाएंगे, वो हमें एक साथ देख लेगी तो बहुत ही खुश हो जाएगी, और फिर हम उसको लेके मार्केट चलेंगे तो आइसक्रीम भी खा लेंगे साथ में। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं बहुत बोर हो गई थी तो। ठीक है तो मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ चलिए चलते हैं। हाँ, चलिए। अरे क्या हुआ, तुम शांत हो जाओ। जाना ओइकू के छूटने का वक्त हो गया, जल्दी निकलते हैं नहीं तो उसे रुकना पड़ जाएगा फालतू में। हाँ पर ये सब गंदा कर देगी। अरे वो कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगा। हाँ लेकिन ठीक है, हम जल्दी आ जाते हैं। अरे चुप हो जा। लगता है ये काम मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। पेंटिंग छोड़ दो और घर से निकल जाओ। ले छोड़ दिया, इससे तो मैं पाप में देख लूंगा। हाँ आराम से। आराम से। कल पहला सब्जेक्ट मैथ्स है, अपना होमवर्क मत भूलना ठीक है? कपड़े पहनने के बाद क्या करती हो तुम? तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता है। लाइना प्लीज मुझे जाना है। तुम्हारे घर में टॉवल नहीं है क्या? अपना मुंह तो पोंछ लेती। लाइना बस बहुत हुआ। ठीक है चुप रहती हूँ, तुम अटक कर बोलती रहो, सुनने में बहुत फनी लगता है। जब 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 हम सुबह जब जा लायदा प्लीज बस करो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन में सर पर गिराया था क्या? लायदा चुप रहो। अच्छा चलो चलते। जरूर तुम्हें बचपन में सर पर गिराया होगा।
बिचारी लड़की। बुरा मत मानना ओइकू, सब भूल जाना, कल मिलते हैं, बाय। ओइकू, क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? हेलो ओइकू। तो तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? अच्छा था। ओइको तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। क्या बात है बेटा, चुप क्यों बैठी हो? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पापा बताएंगे, बताइए उसे। आइसक्रीम खाने के लिए। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कुछ भी नहीं। पर तुम उदास क्यों दिख रही हो? क्या मतलब? मतलब तुम्हारे जैसी। तुम्हारा ओरल एग्जाम अच्छा नहीं रहा क्या? अच्छा, तो ये बात है। अब समझ गए। कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम हमेशा अच्छा नहीं होता है, तुम अगली बार कोशिश कर लेना। इस वीकेंड मेरे साथ फार्म पर चलोगी? वहाँ एक गाय का बच्चा है, मैंने डिलीवरी की थी, उससे मिलते हैं। आपने की थी? हाँ, बहुत ही प्यारा है वो, बच्चा है पर बड़ा दिखता है। जानदान दीदी, लोग बच्चे कैसे बनाते हैं? मतलब मैं कैसे पैदा हो गई, वो गाय का बच्चा कैसे पैदा हुआ? ये तुम्हारे पापा ही तुम्हें बता देंगे। वो दरअसल एक औरत होती है और एक आदमी, मतलब जो बच्चे नहीं है, जो बड़े हैं, वो हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद, चलो छोड़ो, भूल जाओ ना ये, तुम बड़ी हो जाओगी तो खुद समझ में आ जाएगा। मैं बड़ी नहीं हो पाई तो? क्या मतलब तुम्हारा? एक एग्जाम अच्छा नहीं गया तो इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है ओइकू, और वैसे भी एग्जाम्स तो आगे बहुत सारी आती रहेंगी, है ना मिस जानदान? ओइकू, अरे चलो छोड़ो, हम निकलते हैं यहाँ से। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। I'm sorry। कोई बात नहीं, आप जाइए। सुनिए मिस जानदान, आप आगे जाइए, मुझे एक जरूरी काम है तो वो मैं निपटा के आ जाऊंगा बाद में, मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी तो। ठीक है बेटा, तुम मिस जानदान को तकलीफ मत देना, थोड़ा ठीक से रहना। हाँ चलो, हाँ ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं।
आओ इधर। प्यारिये, मैं उस बच्ची के बारे में बोल रहा हूँ, पर हाँ औरत भी बहुत सुंदर है। जमाल देमिर, तुमने यहाँ बाहर बहुत अच्छी जिंदगी बसा ली है, तुमने तो फैमिली बना ली, घर भी बसा लिया। हाँ अच्छा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तुमसे मतलब? क्यों, गर्लफ्रेंड को पुराने दोस्त से नहीं मिलवाओगे? देखो तुम उससे दूर रहो। क्यों, वो मुझे चुनेगी इसलिए दर्द हो रहा है तुम्हें? उससे दूर रहो। अच्छी लड़की पटाई है, सुंदर भी है और अमीर भी। संभाल कर बात करो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मेरे पास पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं है। बकवास बंद करो, तुम उस औरत के घर में रहते हो, वहाँ पे सब कीमती चीजें पड़ी हुई है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं चलेगा? तुम खुद पैसों में खेल रहे हो और मुझे ना बोल रहे हो। काम पूरा करो और मुझे पैसे ला कर दो। और अगर नहीं दिए तो? तो मैं क्या करूंगा, बस देखते जाओ तेमिर, देखते जाओ। राय डॉक्टर, क्या तुम्हारा उन लोगों से कुछ कांटेक्ट हुआ? नहीं डॉक्टर, हमने रिकॉर्ड्स में चेक किया लेकिन फोन पर बात नहीं हो रही। क्या मतलब? फोन बंद आ रहा है। एड्रेस मिला? वो भी चेक किया पर उस एड्रेस पे कुछ नहीं है। मुझे लगता है उसने हमें झूठा एड्रेस ही दिया था। हॉस्पिटल पुलिस को बताना चाहिए क्या? हाँ, हमें जल्द से जल्द उस बच्ची को ढूंढना होगा। पूरे देश में ऐसी एक भी केस नहीं है, ये हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जाओ ढूंढो उसे। जी को दूध देकर आती हूँ, मैंने कॉफी बनाई, आप पियेंगे क्या? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो मैं बस पानी पीकर सो जाऊंगा। ठीक है, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। ओइको क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आ जाइए, ये लो दूध पी लो। क्या हुआ? हाँ ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ जानदान दीदी। तो तुम्हें सर्दी हो गई है क्या? तुम बीमार लग रही हो, पसीना भी आ रहा है तुम्हें। नहीं, वो मैं स्कूल में थक गई थी ना, सुबह ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, पर स्कूल और एग्जाम का इतना ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है ना? तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो, याद रखना, ठीक है? अब बहुत पढ़ाई हो गई, चलो आराम करो। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये नहीं कभी मिस निर्जलार, हरिच, शिशानी, तक्सिम, उस्मान बे, शिशली,
कारण देवे लेवांत फोन लेवांत सुनाई इधर तर्क रोड दारू शफा का अजोस्मान रुको रुको आ रही हूँ आ रही हूँ। ओहो कौन है अब आ रही हूँ। अरे जरा रुको। क्या बात है बेटा सेल्समैन हो क्या तुम? नहीं दरअसल मैं उर्क से मिलने आया था। कौन हो तुम? उसका बिजनेस वाला दोस्त हूँ। क्या सच में? मुझे माफ करना बेटा कुछ लोग ऐसे ही दरवाजा खटखटाते रहते। अरे आजा आजा अंदर आजा। उर्ग 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 बाहर आ जाओ बेटा बाहर आ जाओ। हाँ मॉम कहिए। अरे देखो तुम्हारा दोस्त मिलने आया है। बैठिए। क्या लोगे तुम बेटा? मुझे बस जरा ठंडा पानी पिलाओ। तुम भी पियोगे ना उर्क? हाँ जरूर मैं भी पीऊंगा। नहीं आप बैठिए मैं ले आता हूँ ठंडा पानी अभी आया। क्या मुसीबत है। तो कैसा चल रहा है बिजनेस? उर्क कह रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है। हाँ आजकल बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। इतनी खराब हालत है कि खरीदार तैयार हैं पर माल ही नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों बेटा? वो कुछ लोग डिलीवरी डेट पोस्टपोन कर रहे हैं ना मॉम इसलिए और कुछ नहीं। हाँ, इसीलिए मेरा उर्ग आज परेशान है। जानते हो दिन भर भटक रहा था ये। ये तो नॉर्मल है क्योंकि माल ही नहीं मिला तो कुछ बेच ही नहीं सकते और अगर बेचेंगे नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा है ना। वर्कर्स की हालत खराब हो जाएगी उनका इनकम सोर्स बंद हो जाएगा या और कुछ भी हो सकता है। आजकल लोग बहुत बुरे काम करते हैं। ऊपर वाले का साथ चाहिए तो अच्छे काम करने चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा। हम हार नहीं मानेंगे। हार मानना हमारी फितरत में ही नहीं है, है ना उर्क? हाँ। तुम्हें दो दिनों से देखा नहीं चिंता हो रही थी इसलिए मिलने चला आया। तुम्हारा ये दोस्त बहुत अच्छा है बेटा। अच्छा काम कर रहे हो तुम। तुम कभी भी यहाँ पर मुझसे मिलने आ जाना। छोड़ो मैंने तुम्हें देख लिया तुम ठीक हो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा अभी तक। मैं निकलता हूँ। अरे जरा फ्रूट्स तो खा लो बेटा हमारे पास एप्पल्स हैं खाओगे तो? फिर कभी आऊंगा जैसा आपने कहा हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए। आजकल लोग बहुत बुरे हो गए है ना। पता है मेरे मन में अब क्या सवाल आ रहा है कि इतनी सज्जन औरत का बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? पर आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की मैं कुछ समझा नहीं। ये इतनी टेंशन वाली भी बात नहीं है। बंद करो। चुप। पहले पेंटिंग्स लेकर आओ। अगर मैं वापस यहाँ आया तो ऐसे ही नहीं जाऊंगा समझे। बेटी के लिए उसके पापा हीरो होते हैं और उसके लिए आप हीरो हैं। हेलो हेलो देमिर देमिर जिलित मेरे घर पर आया था। उसने मेरी माँ के सामने मुझे धमकी दी है। इतना ही नहीं उसने मेरे ही हाथों से ठंडा पानी भी मुझे पिलवाया। अरे उर्ग ये तुम क्या बात कर रहे हो यार? शायद तू जानता नहीं हो तेरी वजह से मुझे भी मार देगा और मेरी माँ को भी। तुम्हारी माँ को भी धमकाया? हाँ यार वो तो अच्छा हुआ कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया जबकि वो बड़े प्यार से मुझे धमका रहा था।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेमिर, तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मेरे भाई। सुन रहा है ना, मुझे उसका मकसद कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ सुन लिया। ठीक है, हम करते हैं, तुम्हारा प्लान हम फॉलो करते हैं, वो फेक पेंटिंग वाला प्लान करते हैं। सच में? हाँ हाँ, मैं कल ही उसके पास जाकर वो फेक पेंटिंग ले आता हूँ और फिर वो मैं बदल दूंगा। ये तो कमाल हो गया मेरे भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये काम बहुत जल्द हो जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ। अच्छा ठीक है, तू फोन रख, हम जल्दी कल मिलते हैं। ठीक है बाय, कल ये काम हो जाएगा। मिस्टर डेमिर, जरा यहाँ आ सकते हैं प्लीज? हाँ क्यों नहीं, चलिए ना। क्या है ये? साइकिल है। रिपेयर क्यों किया? क्या मतलब, मैं साफ कर रहा था तो सोचा रिपेयर कर दूं। क्यों, ठीक नहीं है क्या ये? मिस्टर डेमिर, आप मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ क्यों लगा रहे हैं? मैं बस कुछ काम करना चाहता था, कुछ गलती हो गई तो मैंने सोचा कि ओइकू चला लेगी। फिर कभी मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ मत लगाइएगा, ठीक है? कमाल है यार, मैंने बस अच्छा करने का सोचा था लेकिन मैंने कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं है। क्या हुआ, तुम्हारी सेटिंग चेंज हो गई क्या? तुम्हारा मुंह बंद रखने का बटन ऐड किया है शायद किसी ने। हे ऊपर वाले, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो हम शाम को मिलते हैं। क्या हुआ ओइकू? कुछ नहीं। चलो ना फिर। आज मैं क्लास नहीं आने वाली हूँ। पर क्यों? मुझे नहीं आना। लेकिन टीचर गुस्सा हो जाएंगी। कहा ना मैं नहीं जाऊंगी।
सब फिर से मुझ पर हंसेंगे। ओइकू कहाँ जा रही हो तुम? ओइकू यहाँ जाओ। ओइकू मुझे नहीं आना। शांत हो जाओ सिमसेक। दवाई की वजह से रात भर शांत थी, पर सुबह से ऐसी ही है। देखिए आज कुछ हुआ था क्या? पता नहीं क्यों वो आज ज्यादा ही गुस्से में लग रही है। कुछ नहीं मिस जानदान, मैं बस सुबह से देखने आया था और जरा सा हाथ लगाया तो ये फिर से शुरू हो गई। आप देख रही है ना इसे? प्लीज शांत हो जाइए मिस्टर इब्राहिम, शांत हो जाइए। मैं ऐसी घोड़ी क्यों रखूं जिसका रेस में दौड़ना तो एक तरफ, मैं उसे हाथ तक नहीं लगा सकता। मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए। टोपराक सुना ना तुमने, इसे आज ही भेज दो, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, शांत हो जाओ शिमशिक। ओके ओके शांत हो जाओ शिमशिक। मिस जानदान आप ये क्या कर रही हैं? मिस जानदान आपको पता नहीं वो क्या कर सकती है? कम ऑन शिमशिक, शांत हो जाओ। ओके ओके इजी इजी। देखो तुम्हारा जख्म ठीक हो रहा है, हा? हम इसे ठीक कर देंगे। मिस जानदान देखो अब ये शांत है। मिस जानदान, मिस जानदान, मिस जानदान, मिस जानदान, मिस जानदान, मिस जानदान, आपको चोट लगी क्या? नहीं नहीं ज्यादा नहीं लगी, चिंता मत करिए मैं ठीक हूँ। उठने की कोशिश कीजिए। आराम से आराम से आराम से। मेहमत गाड़ी निकालो जल्दी। कोई कोई बात नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ। वेलकम वेलकम। भाई वो जो कहा था बना दिया तुमने? मुश्किल था पर कर दिया। तैयार हुआ कि नहीं ये बताओ। तैयार है, पर पैसे? पैसे अभी नहीं, काम होने के बाद। अच्छा बताओ कहाँ है वो? ठीक है फिर। वाह 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 वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया यार। ये तो मेरा फर्ज है। ग्रेट ग्रेट, चलो अब इसे पैक कर दो जल्दी से। हेलो डॉक्टर। कम इन। इनका एक्सीडेंट हुआ है, पैर पर चोट आई है। ठीक है इन्हें बेड पर बिठा दो आराम से। आराम से लेट जाइए, पैर इस तरफ कीजिए। ये टिश्यू डैमेज लग रहा है, फिर भी आपको हॉस्पिटल जाकर बोन्स के लिए एक्सरे निकालना ही पड़ेगा। पर अभी के लिए बैंडेज लगा दीजिए। अभी मैं बैंडेज लगा देता हूँ, पर जैसे मैंने कहा आपको एक्सरे निकालना ही पड़ेगा। ठीक है तो फिर मिलते हैं। गुड बाय। अरे देख यार उसने तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना दी है। हाँ चलो अब चलो यहाँ से। सही है, इसका मतलब वो ऐसी बाकी की दो पेंटिंग भी बना सकता है, मतलब कि अपना काम तो हो गया। जल्दी से इस काम को अंजाम देते हैं, फिर बाकी दो पेंटिंग भी चुरा लेंगे। तुम भी आ रहे हो क्या? क्यों क्या हुआ? तुम भी आ रहे हो क्या? नहीं मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, कुछ काम। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है काम होने के बाद मिलते हैं। ऊपर वाले अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस ये काम पूरा हो जाए किसी भी तरह।